एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 178 ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, बुक है मेरे पास। शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दीज वन आर द वर्सेज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो इसका मैंने पहले स्टेप लिख दिया, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ बाई योर सेल्फ, इसका ग्राफ आपने खुद बनाना है, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बनाने का मेथड बताया है, तो उसके मुताबिक आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। आपके उसके सेपरेट जो है वो मार्क्स होंगे, और बाकी रह गया राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें से हमें हाइपोटेन्यूज, सुपरपेंडिकुलर, बेस की वर्टिसेस होती हैं। तो इससे सबसे पहले तो इन तीनों के डिस्टेंस ऑफ कोर्स आप फाइंड कर लें। पहले आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और देन बी सी का डिस्टेंस फाइंड होगा, और अल्टीमेटली एंड लास्टली सी ए का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे। तो ए बी का मैं जल्दी से डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। पहले 1, 3 के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, एंड देन बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 2। सो द डिस्टेंस ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू एज डिस्क्राइब अर्लियर x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्केयर, 4 - 1 होल स्केयर, एंड देन प्लस 2 - 3 होल स्केयर। और अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँ, 4 - 1 3 होल स्केयर प्लस 2 - 3 - 1 होल स्केयर। इसको ब्रैकेट में लिख लें, माइनस है तो ये साइन हमें परेशान ना करे, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 स्केयर इक्वल्स टू 9 प्लस 1 स्केयर ऑफ कोर्स 1। सो द आंसर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 10। तो ए बी का मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब बी सी की बारी है। बी के मैं पहले कोऑर्डिनेट्स तो लिख लूँ। बी के जी कोऑर्डिनेट्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 एंड 2, वाइल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी ए सी आर -2 एंड 6। सो द डिस्टेंस ऑफ बी सी विल बी इक्वल्स टू ऑफ कोर्स अगेन x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर, मतलब -2 - 4 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ, -4 - -6 आंसर आएगा। इसको होल स्केयर का ले 6 - 2 4 होल स्केयर, -6 होल स्केयर मतलब 36, 4 होल स्केयर इज इक्वल टू 16। सो इनको ऐड करेंगे तो 52 आंसर आ जाएगा। देन सी ए की बारी है जी। सी के मैं कोऑर्डिनेट्स लिखने लगूँ, -2 एंड 6, और ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 एंड 3। सो द डिस्टेंस ऑफ सी ए विल बी इक्वल्स टू x2 - x1, लार्ज ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी मुझे, 1 - -2, क्योंकि दो दफ़ा माइनस आ रहा है, एक फार्मूला का और एक इस वैल्यू का, तो इसलिए मुझे ऐसे लिखना है। और y2 - y1 3 - 6 होल स्केयर। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 1 - 2 मतलब 1 + 2 हो जाएगा, -± हो जाएगा, +3 - 6 - 3 होल स्केयर, 1 + 2 3 होल स्केयर, -3 होल स्केयर ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 9, 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 9, 9 + 9 इक्वल्स टू √18। तो ये मेरे पास तीनों आंसर आ गए हैं। ए बी का डिस्टेंस आया है √10, बी सी का डिस्टेंस आया है 52, और सी ए का डिस्टेंस आया है √18। ओके स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखना ये है कि आपने जो डिस्टेंस वगैरह फाइंड कर लिए हैं, तो चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल आप प्रूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो ट्राइंगल है उस पर आपने पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। राइट एंगल ट्राइंगल पे हमेशा हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। और अगर हमारा पिथागोरस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अगर ना आए तो हम लिखेंगे कि ये नहीं है, बाय अप्लाइंग पिथागोरस थ्योरम। इसको मैं PET कर देता हूँ, आप स्पेलिंग इसके कंप्लीट कर लीजिएगा। पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, और वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर। छोटी क्लासेस में 6-7 में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें से एक, ये जो तीनों आंसर्स हैं मैंने सर्कल किए हैं, इन आंसर्स में से एक हाइपोटेन्यूज है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, एक तो आपके पास फिगर बनी हुई है, जो मैंने कहा था ना ग्राफ बना ले, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और अगर वहाँ से भी नहीं पता चल रहा, तो आप याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे ग्रेटर लेंथ होती है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज हाइपोटेन्यूज। तो ऑफकोर्स इसमें से जो ग्रेटर आंसर आपको नज़र आ रहा है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी जो रिमेनिंग दो होंगे वो उनमें से किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कर लें, दैट डजेंट मैटर। अब इन √10, √52 और √18 में से ग्रेटर नंबर आपको √52 नज़र आ रहा है, तो ऑफकोर्स इसको हम सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये √52 होल स्केयर हमें करना पड़ेगा। अब ये √10 और √18 इनमें से किसी को बेस और हाई परपेंडिकुलर कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं और एक ही साइड पे हैं। तो अगर मैं इसी को भी बेस पोज कर लूँ, तो ये √10 होल स्केयर हो जाएगा। प्रॉब्लम जो था वो हाइपोटेन्यूज का था।
वो ज़रा ध्यान से आपने करना है, वो गलत ना हो। परपेंडिकुलर फिर एक ही वैल्यू रहेगी है अंडर रूट 18, तो मैं इसका स्केयर कर देता हूँ। स्केयर अंडर रूट कैंसिल 52, स्केयर अंडर रूट कैंसिल 10, अंडर रूट 18 स्केयर, स्केयर अंडर रूट कैंसिल 18। सो 52 इज इक्वल टू 10 प्लस 18 इक्वल्स टू 28। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों के आंसर्स इक्वल नहीं आए। इसका मतलब है अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर के इक्वल ना आए, इट मीन्स दीज वर्सेस डू नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह जो है वो ये राइट एंगल ट्राइंगल को भी लिखा जा सकता है। इसको हम थ्योरम्स में इस साइन को भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर था, इसको नोट कर लें और इसका ग्राफ आपने खुद से बनाना है, ये आपका होमवर्क समझ लें और इसको आप देख लीजिएगा। और फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली मुझे बताइएगा।